हेलो एवरीवन, आई एम भानु सर। बेटा स्टैटिस्टिक्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को अपन स्टार्ट करेंगे। स्टैटिस्टिक्स में तीन सेंट्रल टेंडेंसीज आपने पढ़ी है, मीन एक्स बार, मोड जेड और मीडियन एम। मीन का मतलब होता है एवरेज, मोड का मतलब होता है हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू, और मीन मतलब मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज को कैलकुलेट करना सीखेंगे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें इंडिविजुअल सीरीज भी होगी, इंडिविजुअल सीरीज विथ फ्रीक्वेंसी भी होगी, क्लास इंटरवल भी होगी और वर्ड प्रॉब्लम्स भी होगी। सारी चीजों को कवर अप करेंगे, ठीक है। फटाफट से रफ कॉपी पेन साथ लेके बैठ जाओ। क्वेश्चन नंबर वन, देखो क्या करना है, कैलकुलेट करना है मोड और मीडियन, ठीक है। अपने को क्या करना है भाई, फाइंड करना है। क्या क्या फाइंड करना है? मोड फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। ये हमको डेटा गिवन है। अब अगर अपन काउंट करें तो ये 3, 6, 4, 10 चीजें हैं इस डेटा में। इस तरीके के डेटा को बोला जाता है इंडिविजुअल सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन है, एक्स आई, ठीक है। डेटा को अपन क्या बोलते हैं, एक्स आई। ये मुझे एक्स आई गिवन है 120, ठीक है, फिर 110, फिर 130, फिर 110, फिर 120, फिर 140, 130, 120, 140 और 120। अब मुझे क्वेश्चन में बोला गया है सबसे पहली चीज तो मोड निकालो। एक काम करते हैं यार, अपन अपने से वैसे तो देखो दो चीजें पूछी गई है, लेकिन अपन है ना तीनों चीजें निकालते हैं, अपन है ना इसमें मीन भी निकालते हैं। तो सबसे पहले मीन की बात करें, मीन होता है एक्स बार। मीन निकालने के लिए आप इन सबका टोटल करोगे और डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस से। तो जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो ये टोटल आएगा 1240 और डिवाइड कर देंगे 10 से, क्योंकि ये 10 चीजें हैं। तो इस हिसाब से ये मेरा निकल गया मीन, ठीक है। पूछा नहीं गया लेकिन फिर भी मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए बताया। इसको बोलते हैं मीन। इंडिविजुअल सीरीज में मीन निकाल दिया। अब बात करते हैं मोड की, विच इज वेरी इजी, क्योंकि मुझे सिर्फ यहां ये देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन सा डेटा आ रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा बार जो डेटा आ रहा है वो ये है 120। आप काउंट करके देखो 120 चार बार अपियर हो रहा है, जो कि सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा जेड। जेड का मतलब होता है मोड इज इक्वल टू 120। रीजन क्या दूंगा, अकरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। सबसे ज्यादा बार कौन अकर हो रहा है, 120। इसलिए इस डेटा का मोड 120 है। जो चीज सबसे ज्यादा बार अकर होगी हम उसको मोड बोलते हैं, क्लियर। अब बात करते हैं किसकी, मीडियन की। तो सबसे पहले हम यहां लगाएंगे असेंडिंग ऑर्डर। हम इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। ये ध्यान रखो 10 चीजें हैं, आपको इनको छोटे से बड़े में अरेंज करना है। तो 110 दो बार है, जो कि सबसे छोटा है 110। अब उसके बाद 120, जो कि आई थिंक चार बार है, चेक कर लो, चार सर्कल्स बनाए थे अपन ने, है ना, चार बार है। फिर 130 ये दो बार है, और 140 ये भी दो बार है। तो 130 और फिर 140, ये मेरी ओवरऑल 10 चीजें हो गई जिनको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है। अब जो यहां मेरा n है वो है 10। 10 का मतलब हुआ इवन, 10 एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर के केस में मीडियन निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे। मोड का, मीन का सिंबल x बार, मोड का z, मीडियन का कैपिटल m होता है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा इवन के केस में, n अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। इस पूरे को कर देंगे डिवाइड बाय 2। n अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन, n अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। अब आप देखो n क्या है, n है आपका 10, करो इसमें अप्लाई, तो ये हो जाएगा मीडियन इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन प्लस 10 अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय, होल डिवाइडेड बाय 2। तो ये हो गया 5th ऑब्जर्वेशन
प्लस सिक्स ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय टू। क्लियर यहां तक? अब आप इधर देखो, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, 1, 2, 3, 4, 5। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है 120, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन ये भी 120, तो यहां पे फिफ्थ की जगह 120 प्लस सिक्स की जगह 120 होल डिवाइड बाय 2, 240 डिवाइड बाय 2 आंसर हो गया 120। दैट इज जो मीडियन है वो खुद 120 है। तो अपन ने तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज निकाल दी, मीन भी निकाला, मोड भी निकाला और मीडियन भी निकाल दिया। क्लियर? इजी है, फटाफट से एक बार पॉज करेंगे और इसको कॉपी करेंगे। पॉज करो, कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट करना है मीडियन, मुझे मीडियन फाइंड करना है और मुझे डेटा गिवन है। तो सबसे पहली चीज मैं क्या करूंगा, इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा। फटाफट एक बार काउंट कर लो, 3, 6, 10 चीजें हैं यहां पे, वापस से 10, छोटे से बड़े में अरेंज करेंगे। सबसे छोटा है 8, उसके बाद है 9, 9 के बाद देखो 10 तो है नहीं, तो है 11, 11 के बाद 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 है, 14 के बाद 15 है, 16 नहीं है, 17 है, 18 है, ठीक है, उसके बाद 18 के बाद 19 नहीं है, 20, ये रहा 20, 21 नहीं है, 22 है, और 22 के बाद 23, 24 नहीं है, सीधा 25 है। काउंट करें, 10 चीजें हैं क्या, 3, 3, 6 और 4, 10, 10 चीजें हैं। एन दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर 10 विच इज इवन। अब फटाफट आप वही फॉर्मूला लगा दो जो अभी इवन के लिए लगाया। क्या लगाया था फॉर्मूला, एन अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन प्लस एन अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो एन अपॉन 2, 10 अपॉन 2 कितना हुआ, 10 अपॉन 2 हुआ 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड बाय 2। क्लियर? 5th ऑब्जर्वेशन क्या है, 15, 6th ऑब्जर्वेशन क्या है, 17, तो मीडियन की वैल्यू हो गई 15 प्लस 17 अपॉन 2, 15 प्लस 17 का आधा यानी कि 32 अपॉन 2, तो ये आंसर आ गया मेरा 16। मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू, ये सब ध्यान रखेंगे, मीडियन का मतलब क्या होता है, मिडिल वैल्यू, मीडियन का मीनिंग मिडिल वैल्यू। और सिंबल क्या होता है मीडियन का, मीडियन का सिंबल होता है अपना कैपिटल एम। ठीक है, इजी है, पॉज करो, ट्राई करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मीडियन ऑफ द डेटा अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर। क्वेश्चन हमको ये बोल रहा है कि ये डेटा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, इस डेटा का जो मीडियन है वो है 9। आपको डेटा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा है और मीडियन भी दे रखा है विच इज 9, मीडियन की वैल्यू 9 है। इस डेटा में अगर मैं काउंट करूं तो कितनी चीजें हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ऑब्जर्वेशंस है विच इज एन इवन नंबर। तो इवन का वापस से फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होता है इवन का फॉर्मूला, एन अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन प्लस एन अपॉन 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड बाय 2। तो एन अपॉन 2 का मतलब हुआ 8 अपॉन 2 4th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, 8 बाय 2 4, 4 प्लस 1 5th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो 4th ऑब्जर्वेशन x प्लस 1, 5th ऑब्जर्वेशन x प्लस 3, x प्लस 1, x प्लस 3 होल अपॉन 2, 4th ऑब्जर्वेशन है डेटा में x प्लस 1 चौथे नंबर पे और 5th ऑब्जर्वेशन है x प्लस 3 इक्वल टू में मीडियन जो कि मुझे दे रखा है 9, तो मैं मीडियन की जगह 9 पुट कर दूंगा। ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया 18 इज इक्वल टू 2x प्लस 4। ठीक है, x प्लस x 2x, 1 प्लस 3 4, 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, 14 इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू निकल गई 14 अपॉन 2, x की वैल्यू आ गई 7। तो क्वेश्चन में हमको क्या करना था, x की वैल्यू निकालनी थी विच इज 7। ठीक है, इजी है, पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे। नेक्स्ट, मीन ऑफ 100 आइटम्स, 100 चीजों का मीन, 100 आइटम्स है और उनका जो मीन है वो मुझे क्या गिवन है, 30 गिवन है।
अब इन 100 आइटम्स में से दो आइटम्स हमने गलत कॉपी कर लिए, टू आइटम्स वर रॉन्गली टेकन एज 32.12। हमने दो आइटम्स को गलत कॉपी कर लिया, एक तो लिख दिया गलती से 32 और दूसरा लिख दिया 12। जो इनकी सही वैल्यू है वो है 23 और 11। लिखना चाहिए था 23 और 11, लेकिन लिख दिया 32 और 12। तो अब ऑब्वियसली यार, अगर आप ऑब्जर्वेशन को गलत यूज करोगे तो आपका मीन भी गलत आएगा। डेट इज, ये जो मीन है 30, ये इनकरेक्ट मीन है, क्योंकि आपने दो ऑब्जर्वेशंस को गलत लिया है। तो अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि करेक्ट मीन फाइंड करो। तो करेक्ट मीन फाइंड कब होगा? जब हम इन दो ऑब्जर्वेशंस को रिमूव करके इनकी जगह करेक्ट ऑब्जर्वेशंस को ऐड कर देंगे, ठीक है? यानी कि दोबारा से नया टोटल निकलेगा और दोबारा से नया मीन निकलेगा। तो एक बार पॉज करो और इसको खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, 100 आइटम्स है, तो अपन क्या करते हैं, गिवन लिखना चालू करते हैं। 100 आइटम्स है, उनका मीन मुझे दे रखा है कितना, 3030। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि सबका टोटल कर दो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस से। मीन है मेरा 30, टोटल मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पता है 100। तो जब ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास टोटल आ जाएगा कितना, 3000। यानी कि मुझे ये पता पड़ गया कि जो 100 ऑब्जर्वेशंस मुझे दी गई थी उनको ऐड करने से मेरा जो टोटल है वो 3000 है। अब आप खुद सोचो, ये टोटल क्या सही टोटल है? नहीं। रीजन, क्योंकि आपने दो ऑब्जर्वेशंस को गलत कॉपी कर लिया था। अब आपको उन दो को हटाना है और सही ऑब्जर्वेशंस को लगाना है, तो आपका जो नया टोटल होगा, आप उसे मान लो वाई आई, एक्स मान लो पुराना डेटा हो गया, तो वाई अब अपना नया डेटा हो गया। तो जो हमारा गलत टोटल आ गया था उसमें से हम हमारी गलती को तो हटा देंगे और जो हमको सही करनी है चीज उसको अप्लाई कर देंगे। क्लियर यहां तक? तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3000 माइनस का 44 और प्लस का 34। दैट इज, ये हो जाएगा 3000 माइनस का 10। ठीक है, चेक कर लो, यही तो आ रहा है। इनका टोटल हो गया 44 और इनका टोटल हो गया 34। तो 3000 में से 10 गया तो कितना आएगा, 2990। ये मेरा करेक्ट टोटल है, कितनी ऑब्जर्वेशंस का, 100 ऑब्जर्वेशंस का। तो अब मेरा नया करेक्ट मीन क्या होगा, करेक्ट टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। करेक्ट टोटल इज 2990 एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 100। तो एक एक जीरो कट जाएगा और एक जीरो का डेसिमल अप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरा नया करेक्ट मीन है। क्लियर? क्या है ये मेरा नया करेक्ट मीन है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मीन ऑफ 10 नंबर्स। 10 नंबर्स का मीन है 20, 10 नंबर्स का मीन है 20। 10 चीजों को अपन ने ऐड करा और फिर उनको 10 से डिवाइड करा, तो ऐसा करने से जो मीन निकला वो है 20। अब हम क्या कर रहे हैं, जो 10 चीजें थी उन सब में से एक एक करके 5 को सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, सब में से एक एक करके 5 को सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। लिखा है 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, फाइंड करो न्यू मीन। ठीक है, तो अब भाई यहां पे एक्स आई मान लेते हैं बी द ऑब्जर्वेशंस। एक्स आई क्या है, हमारी ऑब्जर्वेशंस। हमको मीन पता है कितना, 10 नहीं, मीन है 20। मीन कितना है, मीन है 20 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 10। तो अब हम यहां मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन है 20, यहां आ गया टोटल, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 10। तो भाई साहब मेरा टोटल कितना आया, मेरा टोटल आ गया 200। टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया 200। 200 का मेरा टोटल है,
ठीक है। अब यार मैं क्या कर रहा हूं, मैं 10 ऑब्जर्वेशंस जो थी सब में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल 10 ऑब्जर्वेशंस। 5 को मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं फ्रॉम ऑल 10 ऑब्जर्वेशंस। तो ऐसा करने से मेरा नया टोटल क्या होगा, पुराना टोटल है 200, ठीक है। मैं 5 सब्ट्रैक्ट करता ही जा रहा हूं, कितनी चीजों में से, 10 चीजों में से, यानी कि मैंने कितनी बार 5 को सब्ट्रैक्ट करा, 10 बार सब्ट्रैक्ट करा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 200 माइनस का 50, तो मेरा नया करेक्ट टोटल आ गया 150। अगर मैं 5 को सब्ट्रैक्ट करता जाऊंगा हर 10 ऑब्जर्वेशंस में से, हर में से ही, तो मैंने 5 को 10 यानी कि 50 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, 50 का टोटल कम हो गया। तो अब मेरा नया मीन क्या होगा, न्यू टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मेरी 10 ही रहेगी, लेकिन हर ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू है वो 5 से कम हो जाएगी। गिनने में आप 10 चीजें ही गिनोगे, लेकिन उन 10 चीजों की वैल्यूज जो होगी वो 5-5 से कम होती जाएगी, क्योंकि आप हर नंबर में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी बाय 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 18, 5 नंबर्स का मीन है 18, 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर को हमने हटा दिया, 5 में से एक नंबर कोई सा हमने हटा दिया, तो हमारा जो नया मीन आया वो है 16। तो बताओ जो आपने नंबर एक्सक्लूड यानी कि रिमूव करा है वो क्या है, ठीक है। तो अब देखो मीन ऑफ 5 नंबर्स, 5 चीजें हैं और उनका जो मीन है वो है 18। तो अब मैं मीन की बात करता हूं, मीन का फॉर्मूला होता है टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, 18 समेशन एक्स आई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो मेरा समेशन एक्स आई कितना आ गया, ये आ गया मेरा 90। मेरे 5 चीजों का टोटल कितना आ गया, 90, ठीक है। मैंने कोई एक चीज कम कर दी, यानी कि अब मेरे पास न्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी रह गई, 4। पहले मेरे पास लिस्ट में 5 चीजें थी, मैंने एक चीज को गायब कर दिया तो कितनी रह गई, 4 रह गई, और उन 4 चीजों का जो नया मीन है वो है 16। तो अब अगर मैं दोबारा से मीन का फॉर्मूला लगाऊं, ठीक है, तो मीन की जगह मैं लिखूंगा 16 समेशन y आए, ये मेरा न्यू टोटल है डिवाइडेड बाय 4, तो यहां पे मेरा ये आंसर आ गया 64। यानी कि 5 चीजों का टोटल है 90 और 4 चीजों का टोटल है 64। 5 चीजों का टोटल है 90, 4 चीजों का टोटल है 64। सो देयरफॉर फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या होगी, 5 चीजों का टोटल माइनस 4 चीजों का टोटल, तो ये मेरा आंसर आ गया 26। जब मैंने 5 चीजों को ऐड करा, डिवाइड बाय 5 करा, तो मेरा मीन आया 18। उनमें से मैंने 4 चीजों को ऐड करा, डिवाइड बाय 4 करा, तो मेरा मीन आया 16। तो मैंने कौन सी एक चीज है जिसको निकाल दिया था, उसकी वैल्यू है 26, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसमें अपने को देखो मीन ऑफ 25 नंबर्स गिवन है कितना, 36। 25 चीजों का मीन है 36, जिसमें से शुरू की 13 चीजों का मीन, शुरू की 13 चीजों का मीन है कितना, 32, और लास्ट की 13 चीजों का मीन कितना है, 39। तो बताओ 13th नंबर क्या होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, ये 25 नंबर्स बनाते हैं, काउंट कर लो, ये हो गए अपने 4, 5, 10, ठीक है। अब एक बार काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव। ठीक है, ये 25 टर्म्स हो गई। अब क्वेश्चन ये आपको बोल रहे हैं कि आपने जब 25 के 25 चीजों का मीन निकाला तो वो आया 36। अगर आप 25 चीजों का मीन निकाल रहे हो तो वो मीन आ रहा है 36। तो अगर मैं मीन का फॉर्मूला लगाऊं, ये मीन का फॉर्मूला होता है, यहां मीन है 36, टोटल मुझे पता नहीं है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 25, ये 25 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 36 मल्टीप्लाई 25, दैट इज जो मेरा टोटल है वो कितना आ गया, ये आ गया 900। टोटल कितना आ गया, टोटल आ गया 900, 25 चीजों का टोटल आ गया 900। ठीक है, क्लियर है यहां तक। इन विच मीन ऑफ फर्स्ट 13 नंबर्स, एक बार काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 नंबर्स तक का जो मीन है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का ये वाला जो मीन है, ये अलग से मुझे दे रखा है 32। ठीक है, तो अगर मैं शुरू की 13 टर्म्स लेता हूं तो उनका मीन मुझे दे रखा है 32। तो अगर मैं उनके टोटल को निकालने की कोशिश करूंगा तो दोबारा से फॉर्मूला लगेगा, तो ये हो गया 32, टोटल मुझे निकालना है, कितनी चीजों का मीन है, ये 13 टर्म्स का मीन है ये। ठीक है, तो 13 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो टोटल हो गया समेशन वाई आई 32 मल्टीप्लाई बाय 13। यहां मेरा शुरू की 13 टर्म्स का क्या निकल जाएगा, टोटल निकल जाएगा, तो 32 को अपन 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 416। क्या आ गया भाई, 416। शुरू की 13 टर्म्स का जो टोटल है वो कितना आ गया, वो आ गया 416। अब आगे देखो, मीन ऑफ लास्ट 13 नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, लास्ट की 13 टर्म्स, ये लास्ट की 13 टर्म्स है, उल्टे ऑर्डर में आएंगे, ये लास्ट की 13 टर्म्स है, इनका जो टोटल है वो भी निकालते हैं। इन लास्ट की 13 टर्म्स का जो मीन है, दैट इज जेड बार, वो मेरा है 39। देखो मैंने हर बार नया सिंबल लिया है ताकि अपने को कहीं से भी कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो अब मेरे को अगर ये वाला टोटल निकालना है तो मैं फिर से मीन का फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, 39 यहां लिख दूंगा, यहां लिख दूंगा 13, तो ये हो जाएगा 39 इज इक्वल्स टू समेशन जेड आई और अपॉन में 13, तो समेशन जेड आई कितना निकला, 39 मल्टीप्लाई बाय 13, तो समेशन जेड आई निकाल देंगे अपन यहां से। ठीक है, क्या निकाल देंगे, समेशन जेड आई निकाल देंगे 39 को 13 से मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, 3 9 27 का 2 कैरी, 3 3 9 117, ये हो गया 9, ये हो गया 3, तो हो गया 7 नीचे 0 और 1, 507, ये मेरा टोटल कितना आ गया, ये टोटल आ गया मेरा 507। ठीक है, 507। अब आप जरा इस डेटा पे आओ, शुरू की जो 13 टर्म्स है, ये शुरू की 13 टर्म्स है, यहां तक आ रही है, ठीक है, और लास्ट की जो 13 टर्म्स है वो यहां तक आ रही है, इन सब में कुछ कॉमन है क्या, शुरू की 13 लास्ट की 13 में आप चेक करो तो ये बीच वाला नंबर ये कॉमन मिलेगा आपको, कौन सा है वो, M, ये बीच वाला नंबर कॉमन है, कौन सा नंबर कॉमन है, M नंबर कॉमन है, क्लियर, इसको बोला जाता है 13th नंबर। तो अब मैं इस 13th नंबर को कैसे निकालूं, मैं शुरू के 13 लास्ट के 13 के टोटल को ऐड कर दूंगा और ओवरऑल 25 को माइनस कर दूंगा तो मेरा बीच वाला नंबर निकल जाएगा। तो अब मुझे यहां लिखना है 13th नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशंस प्लस सम ऑफ लास्ट 13
ऑब्जर्वेशंस माइनस सम ऑफ ऑल 25 ऑब्जर्वेशंस, शुरू की 13 लास्ट की 13 को ऐड करके ओवरऑल 25 को माइनस करना है, तो 416 प्लस 507 माइनस 900, 416 प्लस 507 माइनस 900, ठीक है यहां तक। तो इनको ऐड करते हैं, 7 और 6 हो गया 13, 1 कैरी 2 और ये हो गया 923 माइनस 900, तो मेरी 13th टर्म क्या आई, 13th टर्म आ गई 23, यानी कि जो बीच वाली टर्म की वैल्यू है इस टर्म की वैल्यू, ठीक है, इस टर्म का आंसर क्या है 23। अपन ने शुरू की 13 लास्ट की 13 को ऐड करा, उसमें m दो बार आ गया, बाकी सारे नंबर्स एक एक बार ही आ रहे हैं, लेकिन ये सेंटर वाला दो बार आ गया, तो हमने इनको ऐड करके ओवरऑल टोटल को माइनस कर दिया, तो ये बीच वाली चीज एक बार रह गई जिसकी वैल्यू है 23। आ गया समझ में, पॉज करेंगे और एक बार खुद से ट्राई करेंगे। ओके किड्स, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। आपको आज के क्वेश्चंस की कैलकुलेशन सेल्फ करनी है, कैलकुलेटर को यूज नहीं करना है, बिकॉज बहुत बेसिक होता है मीन मीडियन मोड निकालना और ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग होता है। अपन एनसीईआरटी और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर ढंग से कर लेंगे तो एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हमसे अटेम्प्ट नहीं होगा, इसलिए सेल्फ प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।